रोल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वह फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं वाराणसी में हूँ और मेरे फ्रेम में आप लोग देख रहे हैं रागिनी विश्वकर्मा। दोस्तों आपसे बता दूँ कि कभी इनका जो संघर्ष आप सभी देखा होगा हमारे चैनल पर और बहुत सारे चैनल पर भी देखे होंगे कि ये रोड पर गाया करती थी, लेकिन आज देखा जाए वो एक यूट्यूब चैनल बना के जिसका नाम भैया चैनल का नाम क्या था? रागिनी विश्वकर्मा। रागिनी और आपका भी था ना? अनुराग। अनुराग, अच्छा ठीक है। तो उनका देखा जाए एक चैनल है रागिनी विश्वकर्मा म्यूजिक, ये नाम से है ना, और अनुराग इंटरटेनमेंट का गाना आता रहता है। क्योंकि देखा जाए शुरुआत में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं रोड पे गाया करते थे, लेकिन आज इनका जो गायकी है इतना अच्छा है कि गाते गाते आज स्टूडियो बैठ गा रही हैं, स्टेज शो भी कर रही हैं, है कि नहीं? इतना नहीं करती। अच्छा इतना नहीं करती हैं। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे जो महिलाएं गाना गाती हैं, मैंने देखा अक्सर जब लाइव आता हूँ तो देखता हूँ कि करती क्या है कि कैमरा लगाया और गाना शुरू कर दी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से गाती हैं, ना कोई एनर्जी होता है बात करने में ना बोलने में। तो आप सभी को अगर गाना गाना है तो कहने मतलब खुल के गाइए। अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए किस तरह से रागिनी जी गाती हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे इनके पास आया हूँ कि आप लोग इनसे थोड़ा सीखिए। आप ढोलक भी बजा सकती हैं या हारमोनिया है तो हारमोनिया बजा के भी गाना गा सकती हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा इंगेजमेंट बनता है। कोई भी अगर आपका व्यूअर कोई भी व्यूअर आपके चैनल पर आएगा, जब वीडियो देखने के लिए आएगा, तो जब ढोल बजता है या फिर हारमोनिया बजता है तो वहाँ पर लोगों का इंगेजमेंट बढ़ता है, ठीक है। फिलहाल हम रागिनी जी आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सभी को, जितने भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं सभी को तहे दिल से नमस्ते है जी। और जो भी गलती होगा क्षमा चाहती हूँ। गाने से पहले बोलने से पहले जो भी गलतियाँ होंगी आप लोग अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दे रागिनी जी आप पढ़ी लिखी शायद नहीं है? नहीं है। ये कैसे आप गा लेती हैं? गाना भी देखता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ गाती रहती हैं, ये आप याद करती हैं या लिखा जाता है या समझाया, कैसे आप करती हैं? याद करते हैं। याद करा जाता है। सुर ताल आप देखता हूँ काफी बैलेंस करके गाती हैं, वो कैसे आप कर पाती हैं? अब हम लोग शुरू से गाते हैं तो सुर में तो हम लोग पक्के हैं कि सुर अपना मिला लेते हैं। अच्छा, मतलब क्या बोला जाता है, आप जो धुन देंगे उसी धुन पे हम सुर बना के गाएंगे, तो उसमें नहीं प्रॉब्लम है, बस सीखने में थोड़ा सा। और की का मंत्रा नहीं समझ पाती हूँ। अच्छा, की के जगह पे का लगा देती हूँ, का के जगह पे की लगा देते हैं। अच्छा, जैसा कि इसमें सुर क्या बोलते हैं उसको, सर क्या बोलते हैं, सारे गम क्या बोलते हैं उसको, सारे सरगम सरगम थोड़ा सा पूछ लेते हैं। आपको, अच्छा आपको सरगम के बारे में कुछ पता है? नहीं पता। अच्छा नहीं पता, फिर भी अच्छा आप गा लेती हैं, कैसे? आप लोग का कृपा है, प्यार है, आशीर्वाद है। चलिए नहीं, मैं बनारस में क्या नाम है, सोनी दीदी नहीं जा रियाज करने जा रही हूँ। बहुत पुराना हो गया उनका, बार बार नाम लीजिए। चले कोई बात नहीं, नहीं पता है कोई। नहीं, मैं कहीं जा रही थी बनारस में सिगरा के पास। अच्छा, सीखने के लिए जा रही थी? हाँ, तीन दो महीना सीखी थी। अच्छा, रियाज की थी। अच्छा, सीखी थी। हाँ, तो वहाँ में जाने पर कुछ लगा कि वहाँ से आपने कुछ सीखा है ऐसा? हाँ, बहुत कुछ सीखा। उन्हीं का देन है कि थोड़ा सा अच्छा गा रही हूं। आपको मैं अपने चैनल पे इसलिए ला रहा हूं कि बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ लाइव जुड़ती हैं, वो गाना तो गाती हैं लेकिन को पता नहीं होता कैसे गाना गाया जाए, ठीक है। पहली बात तो वो बात करती हैं डरी डरी से बोलती हैं, खुल के बोल नहीं पाती हैं, ठीक है। इसके बाद जब गाना गाती हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, कहीं उधर देख रही कहीं उधर देख रही, कैमरा तरफ देख के बात नहीं करती हैं। आपको बता दें जो महिलाएं देख रही हैं, इस समय ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम इतना करिए कि कैमरे के सामने देखिए, वहाँ पर बात करिए। इसके बाद जो गा रहे हैं तो डरी डरी से मत गाइए, खुल के गाइए और ट्रेंडिंग वायरल टॉपिक के रिलेटेड, ट्रेंडिंग वायरल टॉपिक से रिलेटेड आप गाना गाइए, ठीक है। और जो गाने का तरीका है, जैसे कि अगर ढोल है या फिर हारमोनिया है उसके माध्यम से गाएंगे तो इंगेजमेंट बनेगा। फिलहाल एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा आपका गाना सुनना चाहेंगे और इनसे भी थोड़ा सीखने की कोशिश करिएगा किस तरह से। सोचिए पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी कितना अच्छा गाना गाती हैं, वो आप लोग खुद ही देखिएगा। तो एक दो गाना हो जाए आपका।
अच्छा आपने गीत गाया है। फिलहाल आपका जो पहचान हुआ था यानी पहला गाना आपको वायरल हुआ था कौन सा हुआ था, वो एक दो लाइन, ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्टकट में। मछरी के जैसे तड़पे जवानी इनसे थोड़ा सा कहने मतलब, देखिए पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन कितना अच्छा गीत गा रहे हैं आप, सब खुद अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर महिलाएं अगर आप गाना गा रही हैं, देखिए आप लोग परेशान हैं तो मैं चाहता हूं कि इनसे थोड़ा सीखिए, इसलिए मैं यहां इनके पास आया हुआ सिखाने के लिए कि किस तरह से गीत गाती हैं, उनसे थोड़ा सीखिए, इनसे कॉपी करिए। जैसे कि ढोल बजा रही है और ढोल बजाते हुए जब गाना गाती हैं तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऑडियंस है, इंगेजमेंट मतलब बना के रखती है, मतलब आपका वीडियो छोड़ के नहीं जा सकती है। अगर ऐसे नॉर्मली गाएंगे तो कोई आया थोड़ा बहुत देखा एक मिनट दो मिनट तो छोड़ देता है, है नहीं, आपका वीडियो छोड़ के चला जाएगा तो वॉच टाइम खराब हो जाता है, जब वॉच टाइम खराब होगा तो फिर आपका वीडियो वायरल नहीं होता है, इसलिए आप लोग परेशान रहते हैं कि मेरा 100-200 व्यूज आ रहा है। ठीक है, तो गीत गाइए तो ट्रेंडिंग से रिलेटेड गाइए, वायरल चल रहा है उससे रिलेटेड गाइए। ठीक है, जैसे नवरात्र एग्जाम्पल मैं बता दूँ, अभी नवरात्र आ रहा है तो नवरात्र से रिलेटेड गाना गाएंगे तो अच्छी अच्छा नवरात्र से रिलेटेड अगर अच्छा नवरात्र से रिलेटेड अगर गाना गाएंगे तो हमें लगता है कि इस समय लोग ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप दिमाग लगाइए कि क्या चल रहा है, सीजन वाइज सीजन जो गाने आते हैं तो कहने मतलब हाँ ठीक, हंस लो इसके बाद हाँ हो गया ठीक, अब बस करो सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ठीक। तो कहने मतलब सीजन वाइज जिस हाँ दीजिए नहीं नहीं चलिए, मतलब सीजन में सीजन जैसे हर सीजन में गाना अच्छा अच्छा आता है। ठीक है, रुक जाइए, अभी बोलिएगा, रुक जाइए, बुलवाते हैं आपसे, रुक जाइए। ठीक है, तो कहने मतलब जब देखिए जैसे नवरात्र आ रहा है या कोई जैसे कि सीजन वाइज सीजन कुछ ऐसे गीत गाइए जैसे कि नवरात्र हो गया, रक्षाबंधन हो गया या 15 अगस्त होगा, इससे रिलेटेड गाना गाएंगे तो हमें लगता है कि लोग ज्यादा सुनना पसंद करेंगे, लेकिन आपको नजर बना के रखना होता है। ठीक है, फिलहाल रागिनी जी बताइए YouTube आपका चैनल कितना है इस समय, क्योंकि मैं एक ही जानता हूँ, आप बता रही थी अभी कैमरा बंद था, दर्द बता रही थी आप तो 10 मतलब हमारा पूरा टीम जितना भी है। अच्छा, टीम को बता रही थी, आपको क्या लगा कि तो हमें लगा 10 से आप बता रही थी नहीं, जैसे एक अनुराग इंटरटेनमेंट है हाँ। वो सबसे मतलब बड़ा वाला चैनल है। अच्छा ठीक है हाँ। एक रागिनी विश्वकर्मा है, उनके बाद मेरा है, अनुराग इंटरटेनमेंट सर जी का है हाँ। फिर दो चैनल हम लोग खोले हैं म्यूजिक वाला, उस पर सिर्फ म्यूजिक गाना आता है, जैसे अच्छा। सारा म्यूजिक उस पर ढोलक हारमोनिया का मेडियो मोडी नहीं आता अच्छा। जो अनुराग इंटरटेनमेंट है जो रागिनी विश्वकर्मा करके उस पर हाँ। सारा चीजें आते हैं अच्छा। कहीं पे घूमने गए चाहे कुछ भी मतलब उस पर सब चीज आते अच्छा। हैं। और एक रागिनी म्यूजिक करके एक रागिनी मतलब अनुराग म्यूजिक करके चैनल है अच्छा। तो दो दो चार हमारा 10 जो बता रहे थे मतलब दूसरे का किसी बता रहे थे हमारा टीम हाँ, है टीम से, पे हाँ, तो टीम सब से। टीम का लेके 10-15 चैनल हम लोग चलाते हैं। YouTube से अर्निंग होती है कि नहीं होती है आपका, तो आप किस लिए घूम रहे हैं आपका नहीं अरे मैं है? अपनी बात नहीं तुम्हारी बात अरे तो हम अपनी बात से जोड़ रहे हैं, आप घूमते हैं ना हाँ। चारों तरफ तो क्या आपको पैसा नहीं मिलता है, मिल रहा है, हम आपकी पूछ रहे हैं हो रहा है नहीं हो रहा है। अरे यार तो हमारा हो रहा है, तभी तो बनारस में हूँ, आप बताइए आज पब्लिक का प्यार आशीर्वाद और सब कुछ मिल रहा है तो मेरे लिए उससे बड़ी चीज है नहीं कुछ, और पब्लिक मुझे उस लायक समझती है, अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, हर गाना मेरा हफ्ते में दो हाँ। हफ्ते में ट्रेंडिंग लाई देते हैं इंस्टाग्राम पे, तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद है अच्छा। कि मैं गलती पे गलती करती हूँ, बाकी आप लोग क्षमा कर देते हैं हाँ। चाहे बोलने में चाहे गाने में चाहे कहीं भी मतलब कुछ भी बोल देती हूँ, बाकी हाँ। आप लोग अपना बेटी दोस्त कुछ भी समझ के माफी देते हैं तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। अच्छा, आपको लग रहा है जब आप पहले शुरू में जब बच्ची थी या आप जब शुरुआत में कहीं प्लेटफॉर्म पे रोड पे गाया करती थी और पहले में और में कुछ बदलाव को समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है नहीं आपको लग रहा है नहीं लग रहा है अरे यार क्या, तो क्या, आप, क्या क्या लग रहा है आपको, अगर जब मैं रोड पे रहती तो आप मैक लेके नहीं आते हाँ, क्यों नहीं गए हैं लोग आपके यहाँ रोड पे गा रहे थे तो नहीं गए थे उस समय,
उस टाइम में कोई नहीं गया था, ठीक है। आपका गाना वायरल पे पहला बार? अरे यार जब वो वायरल नहीं हुआ तो कोई था हाँ। ना आप हमको जानते ना पहले पहले आप गा रहे तो वीडियो वायरल तब आप जाके स्टूडियो आई है ना? नहीं मैं इनके थ्रू वायरल हुई हूँ, ठीक है। अच्छा। और सर जी जो अनुराग इंटरटेनमेंट के मालिक अच्छा। हैं, ठीक है हाँ। और जब मेरा गाना वायरल हुआ तो सर जी भेजे थे पीयूजी न्यूज, न्यूज हाँ, हाँ। पीयूजी न्यूज है और भी एक भारत करके हाँ, जय भारत अच्छा। करके वो लोग दो लोग आए थे इंटरव्यू लिए। उसी दिन सर जी मेरा सिल्वर बटन भी आया था रागिनी विश्वकर्मा करके, तो उसी दिन हम लोग केक भी काटे थे और चैनल भी मतलब वायरल। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपके YouTube सर्निंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो तमाम महिलाएं देखती है ना, मतलब कहना मतलब YouTube से पैसा मिलता है नहीं मिलता है, बस ये बताइए हाँ या ना। मिलता है हाँ, बस यही मैं पूछना चाहता हूँ। दोस्तों कान इधर से पकड़िए तभी वही बतिया, कान इधर से पकड़िए तभी वही बतिया। ये आज रागिनी हमें देख रहा हूँ, रागिनी घुमा घुमा के बात कर रही है, ये बात नहीं कर रही है। मैं क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन जो कर रहा हूँ उसका रिप्लाई दो ना। मैं कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ, मैं आपसे पूछा जाता है ये कर रही गीत गा डाल रही वीडियो हाँ? अपलोड कर रही हैं, कमाई हो रही नहीं हो रही? अच्छा ये दोस्तों ये बताइए हाँ। बनारस में इतनी बड़ी शहर है ठीक है हाँ। और इतनी महंगाई है हाँ। हम यहाँ पे कैसे टिक पाते क्यों, मतलब क्यों दूसरों के लिए गाना गा के नहीं आप नहीं कर सकती है? कहाँ ना करे, आपको दे देंगे, सुनिए आप कुछ दिन के लिए रहेंगे ठीक है, यहाँ पे हम लोग इतनी दिन में मतलब बहुत ज्यादा देख चुके हैं हाँ। मतलब जीवन का भविष्य और फिर भी हर चीज देख चुके कि कौन साथ देने वाला कौन साथ नहीं देने वाला अच्छा, ठीक है हाँ। तो आप अपने बोल मतलब आप अपने ताकत पे नहीं हैं, तो आपको कल कोई पूछने वाला, आप ही अगर जो हमारा वीडियो ना चले और ना कुछ हो तो आप इंटरव्यू लेने नहीं आएंगे बिल्कुल ठीक है। देखिए आपको बता दे जब आपका वीडियो वायरल होता है ना तो लोग आपके पास आते हैं, ये बात सही नहीं है हाँ, ये तो इस समय वायरल, इस समय देखा जाए इतना वायरल नहीं चल रहे फिर भी नहीं हाँ आप गलत बोल रहे हैं। इस टाइम मेरे सारे गजल चल रहे हैं ठीक है अच्छा ठीक है मेरे हाँ। सारे गजल इस टाइम पकड़े हुए हैं। नहीं देखिए क्या होता है जब वायरल होती, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, भीड़ लगती नहीं लगती है तो जाहिर सी बात है हर जगह की बात, वैसे देखा जाए तो नॉर्मली एक दो लोग तो आएंगे मानता हूँ आते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। अरे तो आता है आप क्या देख मतलब कनावन कितना कमाती कितना कमाती, मैं पैसे पूछ रहा हूँ कमाती है बस हाँ कमाती नहीं कमाती है मैं इसकी बात आप इंटरव्यू मार खराब कर दे रहे हैं। हाँ देखिए इनका इंटरव्यू आप कहाँ से घुमा रहे हैं आपको खुद नहीं पता है बताइए। अच्छा हम क्या कहने मतलब देखिए हम घुमा रहे हैं कि विश्वनाथ काशी विश्वनाथ हाँ बाबा के बाबा विश्वनाथ के नगरी में आप हमको घुमा रहे हैं। मुझे लगता है इस इंटरव्यू मुझे घुमा रही है। दोस्तों मैं मतलब आप सभी के आशीर्वाद से इतना कमा लेती हूँ कि बनारस में अपनी फैमिली थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, बस ये नहीं है कि मैं करोड़पति हो गई हूँ, संपत्ति हो गई नहीं, लखपति हो गई नहीं, बस इतना ही है कि बाबा विश्वनाथ के नगरी में हूँ, उनके आशीर्वाद से मेरा खर्चा मेरी फैमिली में चला सकती हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लाखों करोड़ का कमा रही बस मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं कमा रही बस वही YouTube से मतलब कहने मतलब आप गीत गा के कमा सकती हैं या कमा रही हैं, क्लियर है? तो कहने मतलब देखिए महिलाएं अगर देख रही हैं, अगर आप अच्छे तरीके से गीत गा के अपलोड करेंगी तो वीडियो जैसे बात चलेगा, जब चलेगा तो उससे थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकती हैं। और एक दो चलते चलते एक दो गीत और होना चाहिए आपका। आप बोले ना मेरा कौन गजल नहीं चला, अभी अभी आपके आने से पहले एक फोन आया अच्छा। यहाँ जो आजमगढ़ से हाँ। ठीक है बोले दीदी आपका गाना बहुत इधर चल रहा है, बहुत चल रहा है अच्छा ठीक है। आप लोग चैनल तो देखते नहीं हो, व्यूज हाँ। देखते नहीं, नहीं, नहीं हम देखते हैं, अभी देखे जस्ट अभी भी देखे हैं, ऐसा नहीं है ठीक है हाँ। कोई बढ़िया सा गजल ही गा दीजिए, गजल चला गजल सुना दीजिए। एक पल जो मेरे सीने से उड़नी फिसल गई, एक पल जो मेरे सीने से उड़नी फिसल गई, एक पल जो मेरे सीने से उड़नी फिसल गई, जिसकी नजर पड़ी तो उसकी नीयत बदल गई, एक पल जो मेरे सीने से उड़नी फिसल गई। हर है तो
चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे जो महिलाएं गीत गाती हैं उनको, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म अगर आ रहे हैं गीत गा रहे हैं तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे इनको, एडवाइस सलाह या कुछ का बोले मेरे समझ जैसे आप गायकी कर रहे हैं इसमें कुछ ये अच्छा है या नेगेटिव है, मतलब अच्छा है या बुरा है कुछ है? तो सब कुछ है, जैसे आप अगर चाहेंगे तो मतलब बुरा भी है, आप चाहेंगे तो अच्छा भी है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रही हैं, आपको कहाँ तक जाना है कहाँ तक नहीं जाना है, वो सब आप सभी के ऊपर है कि मैं कितना, मैं अगर जो आपके मन में लगन है जुनून है कि मैं उस मंजिल तक जाऊंगी तो आपका मेहनत जरूर सफलता लाएगा। जी, मतलब कहने मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा, किसी भी लाइन में चाहे पढ़िए चाहे लिखिए चाहे कहीं भी, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको दो रोटी नहीं मिलने वाला है। तो आप मेहनत कीजिए और सबूर कीजिए और भगवान विश्वास कीजिए, सबर का फल बहुत मीठा होता है। बिल्कुल, मतलब जल्दबाजी नहीं करना है। नहीं, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिलहाल दोस्तों आपसे बताना चाहूंगा, अगर YouTube पे खासकर जो महिलाएं हैं उनको बताना चाहूंगा, अगर YouTube पे आ रहे हैं तो जैसा कि रागिनी कह रही हैं कि सबर रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, तो YouTube पे आ रहे हैं पेशेंस रखिए, लगातार काम करिए, अच्छा वीडियो बनाइए, अच्छा गीत गाइए, और वीडियो जो बना रहे हैं थोड़ा अच्छा क्वालिटी में बनाइए, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं मैं देखता हूँ वीडियो बनाती है कैमरा सेक करता रहता है या वीडियो क्वालिटी सही नहीं होता है या कितना भी लॉन्ग वीडियो बना दे रही हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो कोशिश करिए पहले छोटा वीडियो बनाइए, ठीक है। छोटा वीडियोस क्या होगा, मान लीजिए आपने जैसा हर बार एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 10 मिनट वीडियो बनाया है आपने, इंगेजमेंट अगर आपको पूरा नहीं मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंगेजमेंट अगर पूरा नहीं मिलेगा तो फिर आगे आगे वीडियो नहीं जाता है, ठीक है। तो छोटा वीडियो बनाएंगे तो मान लीजिए कोई नया भी आता है तो लगभग 40% या 50% भी इंगेजमेंट मिल गया तो आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चलने का चांस रहता है। बाकी आपको हम सिखाते बताते रहेंगे, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जो बताइएगा। चलिए मिलता हूँ नए वीडियो में, आज बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। Yeah, ma.